नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का ब्लॉग्स कंटिन्यू करता हूँ। नमस्कार, तो जैसे कि आज हो गया है 7 सितंबर 2023 और आज कृष्ण जन्माष्टमी है। तो जो कि सुबह में याद नहीं था तो इंट्रो जो कि है इवनिंग यानी रात में शूट कर रहा हूँ। हाँ, जो कि सिर्फ मैं तो आप सब गुड मॉर्निंग सोएगा हो रहा है। देखो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड हाँ, जो आज मैंने व्हाट्सएप पे यूज किया था वृंदावन का, तो उसका तो यूज नहीं कर सकता यूट्यूब पर। हाँ, लेकिन जो कि वही राधे राधे बरसाना जो है, तो होली के टाइम वाला वीडियो क्लिप है जो कि छोटा ब्रदर हाँ गया हुआ था, तो उसका क्लिप है तो वही यूज कर लूंगा। तो उसमें कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं होगा। तो फिर हाँ मिलते हैं तथा आज का ब्लॉग हाँ मिलते हैं तथा आज का ब्लॉग्स जो भी है विजिटेड करना तो कहीं और भी था लेकिन नहीं गया। हाँ, हो सकता है तो कल निकलूंगा। तो फिर आगे का ब्लॉग्स कल देखने को मिलेगा तथा जो भी है आज का तथा आज का वेदर काफ़ी परफेक्ट था जो कि आप देख सकते हैं। तो इसलिए देखिए हवाएं थोड़ा बहुत ज़्यादा चलती है एंड हाँ एकदम परफेक्ट लुक देखता है। तो सूर्य के समय हाँ तो 15 सेकंड का क्लिप था। तो उसके बाद फिर आज का ट्रैवल ब्लॉग से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, प्रतिदिन समस्तीपुर पटना या मुजफ्फरपुर सिटी आगरा वगैरह जाता रहता हूँ। तथा चलिए आज फिर और एक दो वीडियो पहले जो एडिट करता था उसमें फाइन चलने की वजह से नॉइज कैंसिलेशन मतलब थोड़ा बहुत नॉइज होता था, तो इसका कोई बात नहीं है। हाँ, यदि अगर हेडफोन में अगर लगाए यदि अगर हेडफोन या ईयरफोन या ईयरबड्स जो भी है तो उसमें अगर आप ब्लॉग में सुनेंगे तो फिर साउंड क्वालिटी हाँ सुनाई देगा। और यदि अगर स्पीकर पर सुनते हैं तो नॉट बड़ा आवाज सुनाई पड़ेगा, शायद वॉल्यूम फुल करना पड़ेगा। तो आई होप तो इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर दूंगा। हाँ, यहाँ पर सप्ताह 15 दिन पर एक दिन बालू गिरता रहता है क्योंकि उनका बिजनेस है तो आता रहता है और बिकता रहता है। हवाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और जो कि पेड़ पौधे और पत्तियों से देख सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर रेडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक बजा था परफेक्ट, लेकिन यहाँ यूज नहीं कर सकता। सामने थोड़ी देर पर यहाँ पर सनलाइट आ रहा है जो कि धीरे धीरे इधर भी आ जाएगा जो कि परफेक्ट लोकेशन दिखता है। ठीक है, बॉइलिंग टी, सनफ्लावर्स, ट्रीज, राइस फार्म एंड द स्ट्रीट व्यू ऑफ गोइंग टू पुशा रोड, सॉरी मतलब इस रास्ते से आप पुशा रोड स्टेशन जा सकते हैं। ओके, सम तड़का पेड़ शादी से एंगल करने पर स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत परफेक्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो एक बात और रह गया कि तो आज जब सूर्योदय हुआ था तो उस समय हाँ 10-15 मिनट लेट हुआ उठा था, जिसकी वजह से हाँ थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका था क्योंकि उससे अगर नीचे रहेंगे सूर्य भगवान जी तो हाँ मेरे घर पर से तो वहाँ से वीडियो शूट नहीं हो पाएगा। एंड यह वीडियो हो सकता है तो मैं 12 बज के कुछ मिनट पर ही पब्लिश कर दूंगा क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी तो लगभग 12 बजे के आसपास ही हाँ जो अपने यहाँ पर्व है तो उसे मनाते हैं। तो फिर से मैं 12 बजे के बाद 8 तारीख को लगभग आ जाएगा जो कि ऐसे सुबह में आना चाहिए था 7:55 या 8 बजे, लेकिन इसे मैं 12 बजे के बाद पब्लिश कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले सुबह, धन्यवाद। और ये फोटो फ्रेम हाँ जो कि यहाँ पर मैं एग्जिस्ट है मतलब रखा हुआ है। एंड ये रहा एलोरा केव्स जो कि पिछले वर्ष जून महीने में गया हुआ था तो वहाँ पर टूर किया था। और औरंगाबाद के विभिन्न प्लेसेस पर जो कि यहाँ अच्छे
साबित हुए हैं। तब फिर श्री